एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप जो है एनसीईआरटी की गणित प्रश्नावली 1.3 का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक प्रॉपरमेय संख्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरह √2 √3 भी आते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। इसमें जो है दो तीन स्टेप होते हैं और ये बहुत ही आसान सवाल है। पहले लिखेंगे, माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है टोटल में, इसलिए √5 जब प्रमेय संख्या होगा तो वो a/b के रूप में होगा, जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है या सार गुणनखंड एक है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब अगला स्टेप जो है बहुत ही आसान है, √5 = a/b दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर आप जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसमें 5 हो जाएंगे और यहां जो है a² / b² हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपका 5b² / a² हो जाएंगे। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो है, इसका मतलब 5 जो है a को विभाजित करेगा, 5 a को, पहले यहां लिख दीजिएगा, 5a² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए चूंकि 5a² को विभाजित करेगा, इसलिए 5 जो है a को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। आगे मैं डायरेक्ट बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये समीकरण आपका ट्रू हो जाएंगे। या पुनः मानेंगे, उन्हें माना कि, देखिए आपका उन्हें माना कि a = 5c। अब समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² a के जगह 5c रखेंगे तो 5b² 5 का स्क्वायर 25 तो b² 5c² इसलिए यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर लिखता हूं कि आपका 5b² को विभाजित करेगा, इसलिए 5b को विभाजित करेगा। ये आपका समीकरण जो है आपका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। समीकरण आपका 2 और 4 से तो क्या हो जाएंगे, देखिए 5a को विभाजित करता है, 5b को विभाजित करता है, इसलिए दोनों का गुणनखंड क्या हो जाएगा, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होंगे। जबकि क्या था आपका, a और b का उभयनिष्ठ, जबकि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए यह विरोधाभास है। अतः √5 एक अप्रमेय संख्या
है। इसी तरह आप बनाइएगा √2 √3 का।